जी हाँ दोस्तों आखिरकार शहनाज ने सलमान की पूरी तरह से बेजती कर डाली धज्जियां उड़ा डाली है सलमान खान की इज्जत की क्यों ऐसा सलमान खान ने कहा है अपने लेटेस्ट वीडियो में क्यों वो वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है बताएंगे एक एक डिटेल चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके आपको बता दें किसी का भाई किसी की जान के अंदर जो है शहनाज का चार मिनट तीस सेकेंड का जो है रोल है और इस रोल में शहनाज ने ओवर एक्टिंग करके मिट्टी पलीत कर दी है ऐसा हमारा नहीं बल्कि सलमान के फैंस का कहना है सलमान के फैंस तो यहां तक कह रहे हैं कि सलमान भाई जान आपने शहनाज को खामखा सर पर चढ़ा रखा है क्या जरूरत है ये इस बेअकली औरत को अपने सर पर चढ़ाने की जी हाँ साफ तौर पर सलमान के फैंस जो है लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं शहनाज को और सिर्फ इतना ही नहीं और तो और आपको बता दें अगर शहनाज का हौसला रख फिल्म देखे तो शहनाज ने एकदम नंबर वन जो है एक्टिंग कर रखी है लेकिन वही सलमान के फैंस पता नहीं क्यों नापसंद कर रहे हैं शहनाज खैर अलग बात है ये तो वहीं, आपको बता दें सलमान की जब तब उछाली शहनाज ने जब सलमान ने द कपिल शर्मा शो में शहनाज को ये कह डाला कि तुम उस लड़के को चुनो जो तुमसे प्यार करे तुम उसके साथ शादी करो जो तुमसे प्यार करे लेकिन शहनाज ने कहा नहीं सर वहीं पे शनाज ने उंगली उठा दी और शहनाज की जब अपनी बारी आई अपने पे बात आई तो शहनाज बोल पड़ी और शहनाज ने खुलेआम नेशनल टीवी पर ये कहा सर आप यहाँ पे गलत हो ऐसा नहीं होता है मैं उस लड़के को चुनूँगी जिससे मैं प्यार करूंगी प्यार तो मैं अपने आप करवा लूँगी उससे तो इस बात पर सलमान ने कहा कि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है इस तरह से सलमान ने जो है टोंट वाले अंदाज में शहनाज को ये बात कह डाले और बात यहीं पर नहीं थमी आपको बता दें सोशल मीडिया शहनाज को और ज्यादा ट्रोल तब होना पड़ा जब शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला और अपने रिश्ते को लेकर यानी कि शिवनाज की जोड़ी को लेकर चुप्पी साधी था कपिल शर्मा शो में ले, लेकिन जब खुद की बारी आई खुद की इज्जत की बारी आई खुद के प्यार की बात आई तो शहनाज ने सलमान को चुप करा दिया और अपने लिए लड़ी लेकिन जब सिद्धार्थ की बारी आई सिद्धार्थ के साथ जोड़ी की बात आई शहनाज फैंस की बात आई तो शहनाज ने चुप्पी साधी और चुपचाप सलमान की बात जो है सुन ली जब सलमान ने यह कहा कि क्या क्या है ये शहनाज की जोड़ी क्या लगा रखा है कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ तो मर चुका है ये वो इस तरह की बातें जो है उन्होंने लाईने जिस तरह से सोशल मीडिया पर रखा टीवी नेशनल टी पर रखा वो अपने आप में बेजती वाली बात थी और बेजती फील करा शहनाजियंस ने और उसका वो तोड़ जवाब शहनाज ने तो नहीं दिया था कपिल शर्मा शो में लेकिन सरनाजियंस ने जमकर दिया और कहा कि सलमान आपको कोई हक नहीं है शहनाज की पर्सनल मैटर में इस तरह से बात करने का वो भी नेशनल टीवी पर बस फिर क्या था जिसके बाद से सलमान ने शहनाज से दूरी बनानी शुरू कर दी जैसे ही किसी का भाई किसी की जान फिल्म रिलीज हुआ और उसके बाद से सलमान ने ईद पार्टी में जो है शहनाज के साथ कोई तस्वीर नहीं करवाई क्लिक करवाई ना ही कोई पिक्चर क्लिक करवाई वहीं राघव ज्वेल की देखे तो देखिए तीनों के साथ जो है सलमान ने जमकर फोटो क्लिक करवाई है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लेकिन शहनाज के साथ उसके बाद कोई तस्वीर जो है सामने नहीं आई है और इसी वजह से कही कहीं ना कहीं सिडनाजियंस ने जिस प्रकार से ट्रोलिंग करना शुरू किया सलमान को उसी दिन से जो है सलमान ने इग्नोर करना शुरू कर दिया शहनाज को इस तरह की बात भी जो है सोशल मीडिया पर आ रही है कि अपना काम निकल गया सलमान का तो शहनाज को इग्नोरेंस करना शुरू कर दिया है सलमान पहले आपको भी लगता है सलमान खान अगर शहनाज से खफा हैं तो शहनाज तो एक ना एक दिन मना ही लेंगी क्योंकि मनाने में शहनाज काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जिस प्रकार से बिग बॉस तेरह में शहनाज मनाया करते थे सिद्धार्थ को तो शहनाज मनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मना ही लेंगी गुस्से को काबू करना आता है किस प्रकार से करना है शहनाज कर लेंगे लेकिन आपको क्या लगता है वाकई ही सलमान खान जो हैं जहनाज से नाराज़ हैं खफा हैं सिर के ट्रोल करने की वजह से जो भी लगता है आपको ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में साथ ही ये ज़रूर बताइएगा शहनाज का रोल आपको कैसा लगा किसी का भाई किसी की जान के अंदर